feel it. तो हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं अपने चैनल पर टेक्निकल सिटी पे जल्द से जल्द अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाला हूँ। तो दोस्तों, इसी को लेकर हम आए हैं अपनी पहली अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू मोबाइल, जो कि है वीवो का Z1 Pro। दोस्तों, ये मोबाइल 3 जुलाई को लॉन्च किया गया था, बट मुझे आज मिला है। मैंने जैसे कि इसको मैनेज करके लिया है, मुझे पता है कि आपने इसके अनबॉक्सिंग रिव्यू पहले से भी देख चुका है, बट हो सकता है आप लोगों में से किसी के पास ये मोबाइल भी हो। बट दोस्तों, मैं इसकी आज अनबॉक्सिंग अपने स्टाइल से करने वाला हूँ, और हाँ, अपना स्टाइल मतलब कोई खास नहीं होने वाला दोस्तों, बट मेरे नजरिए से ये मोबाइल कैसा है जहां तक मेरी जानकारी है। दोस्तों, इस मोबाइल के बारे में जानने के लिए आगे वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स, हम जानेंगे इसे कैमरे के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में, प्रोसेसर के बारे में, एंड इसके बैटरी, टच स्क्रीन, स्क्रीन कैमरा, सेल्फी कैमरा, रियर कैमरा कितने प्रकार का है, कौन कौन से मेगापिक्सल है। दोस्तों, हर प्रकार की बात इसके बारे में जानने के लिए तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं और ऐसी अनबॉक्सिंग एंड रिव्यूज वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, जो लाल कलर का है उसको सब्सक्राइब करके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले खोल लेते हैं हम इसके बॉक्स को, और बगल में आप पीछे तरफ देख सकते हैं कुछ इसके यूजर मैनुअल, और बगल में वीवो और पबजी की ब्रांडिंग। और दोस्तों, इसको बॉक्स से खोलते हुए सबसे पहले हमको देखने को मिलता है एक यूजर मैनुअल गाइड, ये जो कि ये रही। और हाँ, उसके साथ आपको मिलता है मोबाइल का सुरक्षा कवर, जो कि मुझे काफी बेहतरीन लग रहा है। और उसके बाद आता है हमारा वीवो का Z1 Pro, चलिए इसको साइड में रखते हैं पहले, और उसके बाद कुछ और निकल के आते हैं। लेकिन दोस्तों, ये मोबाइल मस्त लगता है, और इसके साथ ही निकल के आता है सिम इरेक्टर टूल, जिससे आप सिम के ट्रे को बाहर निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ उसके बाद आता है दोस्तों एक वीवो का व्हाइट कलर का जबरदस्त चार्जर, जो कि आपके मोबाइल को फास्ट चार्ज करने वाला है, जो कि मस्त फिनिशिंग शाइनिंग एंड दे रहा है। और दोस्तों, उसके बाद निकल के आता है एक USB केबल। लेकिन दोस्तों, ये एक USB केबल, अगर टाइप सी केबल होता तो मुझे और भी जबरदस्त मजा आता, लेकिन हाँ, इसमें ईयरफोन भी दिया गया। अगर दोस्तों मैं बात करूं इसके डिस्प्ले के बारे में, तो इसमें आपको 6.53 इंच का एक LED पैनल वाला डिस्प्ले मिलता है। ये एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, बट इसकी क्वालिटी काफी बेहतर है, एमोलेड जैसे ही आपको फील कराएगा। और ये ग्लास से फिनिश जो पीछे पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का बना हुआ है दोस्तों, इसका बैक फिनिशिंग काफी मुझे अट्रैक्टिव लगा। एंड दोस्तों, बात की जाए इसके कैमरे के बारे में, तो आपको फर्स्ट कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का मिलता है 1.7 अपर्चर के साथ, एंड जो सेकंड कैमरा है, सेकेंडरी कैमरा है, वो आपको 2. अपर्चर के साथ मिलता है 8 मेगापिक्सल का, एंड जो थर्ड कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल का मिलता है आपको 2.0 अपर्चर के साथ। तो ये तीनों कैमरे मिला के दोस्तों इतनी गजब की फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी होने वाली है कि मैं क्या बताऊं। और हाँ, चौथे नंबर में आपको छोटा सा एक LED फ्लैश लाइट दिखाई देता है, जो कि रात में ही बहुत ही झकास फोटो खींचता है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। और बात की जाए दोस्तों इसकी फोटोग्राफी की, तो डे लाइट में इसकी फोटोग्राफी काफी बेहतर है, एंड नाइट में भी इसकी फोटोग्राफी थोड़ी सी ब्लर हो जाती है दोस्तों, बट इस प्राइस रेंज में ये काफी बेहतर मोबाइल है मेरे ख्याल से। और अब मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ, कुछ इसके शॉर्ट्स है, कुछ मेरी पिक्स है, कुछ वीडियोज भी है एंड कुछ फोटोज भी है, तो आप उसको देख सकते हैं केयरफुली। फेसबुक, व्हाट्सएप, गाना, ये किड्स मोबाइल,
दुनिया भर के मोबाइल फोन पे, चलिए फोन पे तो हमारे काम आ सकता है, बट कुछ मोबाइल इसमें इनबिल्ड है जो कि मुझे डाउनलोड करनी चाहिए खुद से। तो चलिए बढ़िया है, इसी चक्कर में तो इसका मोबाइल का प्राइस इतना डाउन होता है क्योंकि ये सब एप्लीकेशन पहले से जो इंस्टॉल रहती है ना उसी के तो पैसे वीवो को मिलते हैं, इसलिए वो अपने मोबाइल को थोड़ा सा सस्ता कर सकता है। जैसे कि एमआई के रेडमी या फिर Xiaomi मोबाइल में MIUI में काफी ऐड आते हैं जिसकी वजह से उसके मोबाइल कुछ सस्ते ही होते हैं, यही भी रीजन इसका भी है। आज के अनबॉक्सिंग यहीं पे खत्म होती है। तो दोस्तों अगर आपके पास वीवो का Z1 Pro या फिर Z5 Pro जो भी आप बुला लो है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये मोबाइल कैसा लगा और आप इसको यूज कर रहे हैं तो आपको क्या फील हो रहा है। और हाँ दोस्तों ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से ऐसे वीडियोस बनाता हूँ।